हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका मनपसंद सब्जेक्ट, मनपसंद टॉपिक है, जिस पे आप रात दिन लगे रहते हो। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डियर चैप्टर, हाँ गेस, चैप्टर नंबर 5। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। हाँ तो डी, चैप्टर नंबर 5 कौन सा है आपके बुक में? चैप्टर नंबर 5 हम बात कर रहे हैं इंटरनेट। यहां पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज हम इस चैप्टर में इंटरनेट के साथ साथ कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू से ही आपका फेवरेट रहा है इंटरनेट। आज थोड़ा सा हम और उसे डिटेल में देखेंगे कि भाई इंटरनेट जो वर्क करता है वो बेसिकली कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज की क्लास में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे, एज यूजुअल जैसे हमारे हर क्लास का ट्रेंड रहता है, पहले ही हम देख लेते हैं कि हम कहां कहां घूमेंगे फिरेंगे, कौन से एरियाज हैं, उनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम आज बात करेंगे इस सेशन में इंटरनेट की, कि बेसिकली ये इंटरनेट वर्क कैसे करता है। हम बात करेंगे एक और टर्म जो हम यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब की, WWW की, कि बेसिकली ये होता क्या है। हम बात करेंगे वेब ब्राउजर्स की, हम बात करेंगे वेब एड्रेसेस की। वेब एड्रेस क्या होता है, यानी कि URL क्या होता है। तो बेसिकली इंटरनेट में आज हमारे जो पड़ाव है वो रहेगा, सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनेट बेसिकली वर्क कैसे करता है, जिसमें आप रात दिन लगे रहते हो, FB, मेल्स, जो दुनिया है आज हमारी वो बेसिकली वर्क कैसे करता है, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है। रोजमर्रा की लैंग्वेज में हम इन दोनों को एक ही जैसा समझते हैं और एक दूसरे की जगह भी इन दोनों टर्म्स को यूज करते हैं। हम बात करेंगे वेब ब्राउजर्स की और URL की। तो ये आज हमारा कवरिंग एरिया रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे नेटवर्किंग
इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ईमेल, इन पे डिस्कशन करेंगे। तो धीरे धीरे इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए डियर, शुरू करते हैं अपना सफर इंटरनेट से। बेसिकली इंटरनेट हर जगह आप एक डेफिनेशन पढ़ोगे इंटरनेट की, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स रटा हुआ होता है हमें, या आप कह सकते हो कंप्यूटर्स। यानी कि नेटवर्क्स का भी जो नेटवर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट। इंटरनेट पे बढ़ने के पहले मैं आपको दो टर्म क्लियर करना चाहूंगी। बेसिकली बड़ा कंफ्यूजन रहता है कभी कभी स्टूडेंट्स में कि इंटर एंड इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है, इंटर एंड इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप ये समझ लो ताकि जब मैं आगे बात करूं इंटरनेट एंड इंट्रानेट तो आपको कंफ्यूजन ना आए कि ये मैम ने गलत तो नहीं बोल दिया, इंटरनेट को ही तो इंट्रानेट नहीं बोल रही है। इंटर और इंट्रा दोनों का मतलब अलग अलग होता है। रोजमर्रा की लैंग्वेज में आपने सुना होगा इंटरनेशनल, इंटर नेशनल। इंटरनेशनल मतलब एक नेशन दूसरे नेशन के साथ कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है। इंडिया है, यूएस के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनल। यानी कि एक नेशन दूसरे नेशन के साथ क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस में दो कंट्री या नेशन होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने जनरली सुना होगा आईएसबीटी, रोजमर्रा की लैंग्वेज में अगर हम देखें आईएसबीटी, आईएसबीटी क्या होता है, इंटर स्टेट बस स्टैंड, इंटर स्टेट बस स्टैंड या बस टर्मिनल, टर्मिनल भी आप बोल सकते हो। यहां पे क्या होता है, एक स्टेट होता है, दूसरा स्टेट होता है, और इन दोनों स्टेट्स में आपस में जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि बस वो आती जाती है। तो जिस बस स्टैंड से
इंटर स्टेट यानी दूसरे स्टेट्स की बसेस मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आईएसबीटी। ठीक है, तो अगर मैं डियर इंटर बोलूंगी तो इंटर के बाद जो टर्म लगा होता है, जैसे इंटरनेशनल यानी नेशंस के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट यानी स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, सीएसटी के लिए आप क्या पढ़ते हो, सेंट्रल सेल्स टैक्स के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है कि इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल मींस जब एक स्टेट से सामान खरीद के दूसरे स्टेट में सेल किया जाता है, दिल्ली से आपने सामान खरीदा और यूपी के इलाहाबाद में आपने सेल किया, परचेज किया यहां से और सेल किया आपने यूपी के इलाहाबाद में, यहां से यहां गुड्स आप ले गए, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहां दो स्टेट इन्वॉल्व हैं, इंटर स्टेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो बाद वाला टर्म है, जो बाद वाला टर्म है उस वो ये डिफाइन करता है कि किसके बीच में ट्रांजैक्शंस बेसिकली हो रहे हैं। इंट्रा स्टेट, यही मैं बोलती हूं, इंट्रा स्टेट आपने देखा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे क्या लगता है, सीएसटी आपने पढ़ा होगा। इंट्रा स्टेट यानी कि अगर ये यूपी है एक स्टेट है, ये क्या हुआ स्टेट, और यहां पर कानपुर से सामान खरीद के इलाहाबाद में सेल कर रहे हैं, यहां से परचेज कर रहे हैं और यहां पे सेल कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा इंट्रा स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पे हम टर्म क्या यूज करते हैं इंट्रा, और यहां पे तुमने देखा होगा कि इंट्रा स्टेट सेल पे क्या लगता है जनरली वैट, तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा इंटर जो बाद में इंटर के बाद टर्म लगा रहेगा, जैसे यहां स्टेट लिखा है तो स्टेट्स के बीच में, इंट्रा इंट्रा के बाद जो टर्म लगा रहेगा यानी कि यहां स्टेट लगा है यानी कि उस स्टेट के अंदर ही जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, तो इंट्रा के बाद जो टर्म यूज होगा उसके अंदर ही जो चीजें रहती हैं वहां पे हम बोलते हैं इंट्रा। तो ये क्लियर करना मुझे जरूरी था ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में पूछा जाए इंट्रानेट और आप लिखा हो इंटरनेट के बारे में, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं इंटरनेट टर्म क्या यूज हुआ है इंटर के बाद, नेट नेट फॉर नेटवर्क्स, तो अगर एक कोई नेटवर्क है और दूसरा कोई नेटवर्क है और इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे इंटरनेट, लेकिन एक ही कोई नेटवर्क है और वहीं पे दो टर्मिनल हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो
तो इसे हम क्या बोलेंगे? यहां पे हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंट्रानेट। इस पे अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहां पे मेरा ये टर्म यूज करने का पर्पस बस इतना था कि बेसिकली मैं आपको बता सकूं कि इंटर एंड इंट्रा में क्या डिफरेंस होता है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे इंटरनेट की। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि इंटरनेट, जैसा कि आपने अभी देखा था, दो नेटवर्क्स के बीच में अगर कोई कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट। अब दो से ज्यादा भी नेटवर्क हो सकते हैं यहां पे, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स के बीच कोई भी कनेक्शन होता है, तो वेरियस नेटवर्क्स के बीच जो नेटवर्किंग बनी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। बेसिकली ये प्रोवाइड क्या करता है? ऑफर एक्सेस। क्या प्रोवाइड करता है? आप क्या करते हो इंटरनेट की हेल्प से? कहां कहां आपकी एक्सेस रहती है? आप किसी भी इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। टू इंफॉर्मेशन, जगह जगह हम इंफॉर्मेशन टर्म यूज कर रहे हैं। इसके बारे में भी आप अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में देखोगे, डिटेलिंग है कि डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा, एंड और किस डिफरेंट टाइप के लोगों से कांटेक्ट करते हो तो हम बोल सकते हैं पीपल। ट्विटर है, फेसबुक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, तो आप क्या करते हो? इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, ट्विटर यूज करते हो। ये जो इंटरनेट होता है ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन टीसीपी, आपने नाम सुना होगा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे। कैसे काम करता है ये अभी हम देखते हैं, इसे अभी हम अलग से देखेंगे। बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, या आप कह सकते हो मॉडल, किस मॉडल पे बेसिकली ये वर्क करता है ये अभी हम देखेंगे। बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी मॉडल और इंटरनेट पे रन होने वाली एक एप्लीकेशन है वर्ल्ड वाइड वेब, www। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है एज एन एप्लीकेशन which runs on internet। एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पर रन करती है। तो डियर, ये सब तो आप जानते हो, बुक में भी लिखा हुआ है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन पे एक्सेस कर सकते हो, लोगों पे एक्सेस कर सकते हो, बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी। इस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, www पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहता है डियर, आता होगा तुम्हारे दिमाग में भी, कि बेसिकली यार नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वगैरह तो सब सही है, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है? ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे वर्क करता है? तो अभी हम देखने जा रहे हैं हाउ इंटरनेट
works. इंटरनेट वर्क कैसे करता है, जनरली कहीं पे भी आप देखते हो इंटरनेट को एक क्लाउड के फॉर्म में दिखाया जाता है, इंटरनेट को एक क्लाउड के फॉर्म में दिखाया जाता है। और आपके पास क्या होता है, आपके पास अपना सिस्टम होता है। सपोज ये आपका पीसी है, ये आपका पीसी है, क्लाइंट पीसी। तो अब आप क्या करते हो, क्लाइंट पीसी होता है, क्लाइंट पीसी जनरली क्या होता है, ये जो पीसी रहता है इसे अगर हम देखें तो ये लिंक रहता है राउटर और उसके बाद एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जिसे आप बोलते हो मॉडेम। मॉडेम होता है, मॉडेम टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है और टेलीफोन लाइन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि कहां आता है, इंटरनेट पे आता है। इस तरीके से क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो होता क्या है कि इंटरनेट को जनरली क्लाउड फॉर्म में दिखाते हैं, कहीं पे भी कोई भी डायग्राम होता है तो इंटरनेट को जनरली कोई क्लाउड फॉर्म में दिखाते हैं। लेकिन डियर याद रखना ये बेसिकली क्लाउड नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट आ चुका है, इवन कॉन्सेप्ट आ चुका है क्लाउड कंप्यूटिंग, वो भी हमारे कोर्स में है। हम चैप्टर नंबर 6 के एंड में डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। लेकिन इंटरनेट कोई क्लाउड वगैरह नहीं है, कोई ऊपर ओरिजिनल कोई क्लाउड में कुछ छाया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली ना यहाँ पे डीएम बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने जैसा पढ़ा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं, अब मैं इसे दूसरे फॉर्म में बनाने जा रही हूं, ठीक है, इसे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूं। तो अगर मैं बात करूं ठीक है, तो यहां पे इस एरिए में बहुत सारे क्या होंगे, सर्वर होंगे, बहुत सारे सर्वर होंगे डियर। जैसे कि सपोज वेब सर्वर है, वेब सर्वर है, ये क्या होगा, जहां पे वेबसाइट रखी होगी, वेबसाइट होस्टिंग के लिए क्या हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है। मेल के लिए अलग से मेल सर्वर हो सकता है, मेल के लिए मेल सर्वर हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग के लिए जैसे आपका फेसबुक हो गया, ठीक है,
लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग के लिए अलग सर्वर हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी वीडियो वेबसाइट होती है, वीडियो वेबसाइट होती है तो उसके लिए वीडियो सर्वर्स हो सकते हैं, बेसिकली इनके लिए स्पेस ज्यादा चाहता है। वीडियो सर्वर हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं Amazon की, जो आपकी साइट है, या मैं बात करूं Facebook की, या मैं बात करूं YouTube की, Amazon, YouTube, मैं बात करूं Facebook, इन सबके डेटा एक ही सर्वर पे नहीं रहते हैं, इन सबके डेटा बहुत सारे सर्वर्स पे रहते हैं और ये बहुत सारे सर्वर भी शेयर कर सकते हैं, इनके लिए बहुत सारे सर्वर्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका क्लाइंट पीसी होता है, जो आपका क्लाइंट पीसी होता है यहां पे, वो सर्वर पे क्या भेजता है, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है वेबसाइट का। तुम यहां पे क्या देते हो, URL, इस पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे, मतलब कि वेबसाइट का एड्रेस देखते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं csattack.com, तुमने एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट दी और यहां सर्वर उस रिक्वेस्ट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को क्या करता है, पूरा करता है। जो सर्वर होता है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करता है और रिस्पॉन्स में जो वेब पेज है वो, या वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है क्लाइंट के पीसी पे। तो यहां पे बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पीसीज हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर उनके रिस्पॉन्स में वेबसाइट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो भी ओपन करवाना चाहे क्लाइंट, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के ओपन करवा सकते हैं। तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग रहा होगा कि बेसिकली इंटरनेट वर्क कैसे करता है। अब ये सर्वर एंड पीसी में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ, एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि भाई सर्वर, मैं अलग टर्म बोल रही हूं, पीसी मैं अलग टर्म बोल रही हूं, तो बेसिकली ये सर्वर क्या है और एक क्लाइंट क्या है, क्या क्लाइंट पीसी को सर्वर बनाया जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्लाइंट पीसी को अगर मैं बात करूं, ये जो क्लाइंट पीसी है, अगर आप ये चाहो कि ये सर्वर के तरीके से काम करे, इसे मैं सर्वर बना दूं क्लाइंट पीसी को, सर्वर बना दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप खुद सोचो, ये छोटा कंप्यूटर है और जो सर्वर होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसका मतलब इनमें पावर क्या होती है, कम होती है, सिक्योरिटी इश्यू होते हैं क्योंकि वो सर्वर है, ठीक है, तो डियर सर्वर में कोई भी तो घुस नहीं सकता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी इश्यू जिसके कारण हम क्लाइंट को सर्वर नहीं बना सकते हैं। और क्या ये क्लाइंट 24 आवर्स चल सकते हैं, 24 आवर्स इनकी रनिंग
पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण हम किसी क्लाइंट पीसी को सर्वर नहीं बना सकते, हम किसी क्लाइंट पीसी को सर्वर नहीं बना सकते हैं। हर एक पीसी सर्वर की तरह काम नहीं कर सकता है। तो सर्वर में ऐसा क्या खास होता है कि वो सर्वर का काम करता है? सर्वर बेसिकली, अगर मैं सर्वर की बात करूं तो ये पावरफुल होते हैं, ये पावरफुल होते हैं। इनमें बैकअप्स की फैसिलिटी होती है। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके जो बैकअप्स होते हैं वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे अलग अलग सर्वर पे रखे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक लोकेशन का सर्वर जो है हट गया, उड़ गया, या उसका डेटा क्रैश हो गया तो उनका पूरा जो है डेटा चला जाए। उनके बैकअप्स जो बड़ी बड़ी साइट्स है, जैसे अगर मैं YouTube की बात कर लूं तो इनके सर्वर्स का जो बैकअप है वो अलग अलग जगह, अलग अलग लोकेशन पर होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सर्वर्स हैं बेसिकली पे होते हैं। तो आप यहां पे देख रहे हो कि सर्वर अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं, उनके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। वेब सर्वर हो सकता है वेबसाइट होस्टिंग के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए सर्वर हो सकता है, मेल सर्वर बेसिकली हो सकता है मेल के लिए, मेल सर्विसेज के लिए अगर हम देखें तो मेल सर्वर हो सकता है। तो यहां आप देख रहे हो कि ये सर्वर्स भी आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सर्वर भी आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये जो पूरा कनेक्शन है सर्वर्स के बीच में, ठीक है, ये अलग अलग लोकेशन पे हैं, अलग अलग पर्पस हैं, इसी नेटवर्किंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। और इसी चीज को हम क्लाउड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यहां पे कोई क्लाउड वगैरह नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि यहां पे बेसिकली डेटा कैसे ट्रेवल करता है। इंटरनेट का आईडिया आपको लग गया होगा कि इंटरनेट पे जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, चाहे वो फेसबुक की बात करो, चाहे वो हॉटमेल की बात करो, जीमेल की बात करो, तो कैसे क्लाइंट पीसी जो होता है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है और उसके रिस्पांस में सर्वर जो है वो वेबसाइट या ईमेल ओपन करता है। तो अब देखें डेटा कैसे बेसिकली ट्रैवल करता है। तो अब देखो, सपोज क्लाइंट का एक पीसी है, क्लाइंट का एक पीसी है, क्लाइंट के पीसी पे जो है एक नेटवर्क कार्ड होगा, एक नेटवर्क कार्ड होगा। ये नेटवर्क कार्ड स्विच, ये नेटवर्क कार्ड स्विच से कनेक्ट होगा। स्विच राउटर से कनेक्ट होगा, राउटर होता है, राउटर से कनेक्ट होगा। राउटर बेसिकली मॉडेम से कनेक्ट होगा। मैंने यहां पे इन तीनों को अलग अलग किया है, कभी कभी मॉडेम ही स्विच और राउटर का काम कर रहा होता है, थोड़ा सा दिखाने के लिए।
कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इन तीनों को अलग अलग लिखा है, स्विच, राउटर, मॉडम. मॉडम, ये मॉडम किससे कनेक्टेड रहता है? मॉडम अगर आप देखोगे तो किससे कनेक्टेड रहता है? मॉडम कनेक्टेड रहता है टेलीफोन लाइन, वो टेलीफोन लाइन आईएसपी से कनेक्टेड रहती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अब वो आईएसपी बेसिकली फाइबर ऑप्टिकल से और किसी आईएसपी से कनेक्टेड रहता है, और किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहता है. मे बी वो जो दूसरा आईएसपी है जहां पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसका अपना क्या होगा? राउटर होगा. और वो ड्राइवर, राउटर किससे कनेक्टेड हो जहां पे आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यानी कि सर्वर. कोई जरूरी नहीं है कि बीच में एक आईएसपी एक दूसरे आईएसपी से ही कनेक्टेड होता है. मे बी और कोई डिफरेंट रूट हो, मे बी यहां जो बीच में फाइबर ऑप्टिकल्स होती हैं, मे बी एक आईएसपी दूसरे और आईएसपी से कनेक्टेड हो, ये आईएसपी एक तीसरे आईएसपी से कनेक्टेड हो, उसका कनेक्शन और किसी से हो, और उसके बाद कहीं जाके वो दूसरे सर्वर से कनेक्टेड हो. मे बी ये यहां से भी कनेक्टेड हो. तो आप देख रहे हो कोई भी रूट बन सकता है, कोई भी रूट से आपका डेटा जो है वो ट्रेवल करके जा सकता है. आपने अगर यहां से क्लाइंट से, ये आपका पीसी है, ये क्लाइंट का पीसी है, और उसने एक पर्टिकुलर वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजी, वो वेब पेज यहां पे होगा, तो मे बी ये रूट फॉलो हो, यहां से यहां का रूट फॉलो हो. ये रूट फॉलो हो, या अगर वो पेज ये वाला पेज है तो मे बी ये तो मैंने पहला किया है, दूसरा रूट यहां से ऐसे भी जा सकता है, या ये जो सेकंड रूट है ये इसकी लोकेशन यहां से अगर मैं बोलूं तो ये सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है, और इसका रास्ता ऐसे भी हो सकता है, इसे मैं सेकंड का सेकंड बोल सकती हूं. तो डेटा आपका कैसे भी ट्रैवल कर सकता है. ये चीज जो होती है, राउटर्स जो होते हैं वो बेसिकली जो है वो रूट डिफाइन करते हैं. तो इस तरीके से जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो रिक्वेस्ट जाती है, उसके रिस्पांस में जो चीज आप मंगवाते हो वो डेटा ट्रैवल करते हुए आता है. अच्छा डियर, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सपोज आप हो, आपके बॉस है, दोनों सिस्टम खोल कर बैठे हुए हैं, ओपन करके बैठे हुए हैं अपना अपना पीसी, आप फेसबुक भी चला रहे हो अपना, ठीक है, फेसबुक की रिक्वेस्ट डाल रहे हो, आपने डाला और वो रिक्वेस्ट जो आपने भेजी उसका रिस्पांस आपके बॉस के सिस्टम पे आ गया. ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये सिक्योर्ड रहता है पासवर्ड लॉगिन आईडी के थ्रू, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इस तरीके से
अगर आप देखो तो इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है कि अब आप क्या कह सकते हो कि बेसिकली जो इंटरनेट है, अगर इस लाइन को मैं इंटरनेट बोलूं, इस ब्लू लाइन को मैं इंटरनेट बोलूं, तो इस इंटरनेट से अलग अलग जगह कई सर्वर्स जुड़े रहते हैं, कई सर्वर्स, ये सर्वर्स हो गए, कई सर्वर्स जुड़े रहते हैं, सर्वर जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा रहता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट के पीसी से जुड़ा रहता है और इस तरीके से जो क्लाइंट का पीसी है वो किसी भी सर्वर से डेटा या रिक्वेस्ट, किसी भी, चाहे वो सर्वर ये वाला सर्वर हो, क्लाइंट का पीसी किसी भी सर्वर से यहां पे जाकर इस सर्वर के थ्रू यहां पे जा सकता हो, किसी भी सर्वर से डेटा जो है अपने पीसी पर मंगवा सकता है। तो वो तो मैंने आपको बड़ा डायग्राम बना के दिखाया था, ये एक छोटे डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बेसिकली इंटरनेट वर्क कैसे करता है। ये जो इंटरनेट पर डेटा ट्रैवल करता है, जनरली आप देखोगे अभी जगह जगह ना, मैं एक टर्म यूज करूंगी, प्रोटोकॉल, डियर, एक टर्म यूज करूंगी, जगह जगह आपके डिस्कशन में आएगा एक टर्म, प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, आप ऐसा समझ लो दूसरे वर्ड्स में, अभी इस पर डिटेल पे डिस्कशन होगा डियर, कि प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये जो टीसीपी आईपी की हम बात कर रहे थे ये भी क्या है, प्रोटोकॉल है। एक इजी शब्दों में हम कह सकते हैं इंटरनेट पे बोली जाने वाली लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती है, प्रोटोकॉल कहलाती है। जो इंटरनेट पे ये डेटा ट्रैवल करता है, वो डेटा ट्रैवल किसके थ्रू करता है, वो डेटा ट्रैवल करता है प्रोटोकॉल के थ्रू, वो डेटा प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रैवल करता है और डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल होंगे, वेबसाइट के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, ईमेल के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, चैट के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, नेटवर्किंग के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो इंटरनेट पे बोली जाने वाली लैंग्वेज, इंटरनेट पे बोली जाने वाली लैंग्वेज उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। तो ये जो सारी नेटवर्किंग होती है, जो इन सर्वर्स पे डेटा ट्रांसफर होता है, सर्वर से क्लाइंट तक पे जो डेटा जाता है, वो सारा डेटा प्रोटोकॉल, या इसे हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में कभी कभी मेरे मुंह से समझाते हुए निकल सकता है, पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर होता है। वो पैकेट्स क्या है, वो बेसिकली डियर प्रोटोकॉल की ही मैं बात कर रही हूंगी, वो मैं प्रोटोकॉल की ही बात कर रही हूंगी, प्रोटोकॉल को ही कभी कभी मैं जो है पैकेट्स बोलूंगी। तो जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बेसिकली प्रोटोकॉल्स के थ्रू या पैकेट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। और इजीएस्ट फॉर्म में हम प्रोटोकॉल के लिए बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे बोली जाने वाली लैंग्वेज वो क्या है, प्रोटोकॉल है। तो डियर, प्रोटोकॉल इंटरनेट पे बोली जाने वाली लैंग्वेज है, यानी कि स्मॉल पैकेट्स या प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने इंटरनेट पे एक लाइन लिखवाई थी, बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी मॉडल। तो इंटरनेट पे ये टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है ये हम देखेंगे। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है इंटरनेट पे, हम ये देखने जा रहे हैं।
TCP IP मॉडल जो इंटरनेट बेस्ड होता है वो टीसीपी आईपी मॉडल पे बेस्ड होता है. टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो बेसिकली ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है, अगर मैं कहूं कि इंटरनेट पे जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो नेटवर्किंग होती है, वो 95% तक जो कम्युनिकेशन होता है वो टीसीपी आईपी मॉडल पर बेस्ड होता है. ये बेसिकली सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली सेट ऑफ प्रोटोकॉल है. इसमें और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल जैसे एसटीटीपी, जैसे हम देखेंगे इसमें एसटीटीपी, पीटीपी, डीएनएस, एफटीपी, डीएनएस और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो इंक्लूड होते हैं. यूडीपी, आरआईपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं. ये टीसीपी आईपी ये आपके नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है. टीसीपी आईपी आपके बेसिकली नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है. आपको मालूम है कि इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा यूज में आया था वो 1990 में आया था. तब से ये मॉडल, वो जो इंटरनेट वर्क कर रहा है वो टीसीपी आईपी मॉडल पर ही वर्क कर रहा है. लेकिन ये मॉडल उससे भी पुराना है, ये मॉडल उससे भी पुराना है. 1970 में जब यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था 1970 में, जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, इन्होंने ही इंटरनेट की शुरुआत की थी, इन्होंने ही इंटरनेट की स्टार्टिंग की थी. और इन्होंने सबसे पहले एक नेटवर्क बनाया था, इन्होंने सबसे पहले एक नेटवर्क बनाया था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. एडवांस रिसर्च ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एक इन्होंने नेटवर्क तैयार किया था. और तब से ये जो आपका टीसीपी आईपी मॉडल है ये चला आ रहा है.
इसे डीओडी मॉडल भी बोलते हैं, इसे पहले डीओडी मॉडल भी बोला जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कारण डीओडी मॉडल भी बोला जाता था। बीच में कुछ प्रोटोकॉल्स आए, बीच में और कुछ प्रोटोकॉल्स और मॉडल्स आए, लेकिन क्योंकि अगर मॉडल्स सिमिलर नहीं रहते तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन में, जो नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा था डियर, उसमें प्रॉब्लम आती। बीच में और भी 1970s के बाद और भी मॉडल्स आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो काम किया गया है वो टीसीपी आईपी पे ही किया गया है, क्योंकि अगर अलग अलग नेटवर्क अलग अलग मॉडल पे वर्क करते तो उन नेटवर्क में आपस में कैसे नेटवर्किंग होती। तो सबसे ज्यादा जो है प्रमोट किया गया वो टीसीपी आईपी मॉडल को ही प्रमोट किया गया, और आज की डेट में जो नेटवर्किंग है वो आपकी टीसीपी आईपी मॉडल पर बेस्ड है। तो आप यहां पे देखोगे कि टीसीपी आईपी वर्क कैसे करता है। सपोज एक ए लोकेशन है इंडिया और एक दूसरी लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है ऑस्ट्रेलिया है। तो अब अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर होना है, कोई भी डेटा ट्रांसफर होना है यहां से यहां, तो इनके बीच क्या होगा? इनके बीच होगा टीसीपी आईपी। इन्हें कनेक्ट कैसे करेंगे? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के जरिए कनेक्ट करेंगे। कंप्यूटर्स आपस में जो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक पहुंचने का मे बी कोई भी रूट हो, इस लोकेशन से ए लोकेशन से बी लोकेशन तक पहुंचने का मे बी कोई भी रूट हो, ये रूट, ये नेटवर्किंग किसकी हेल्प से जनरेट होगी? ये जनरेट होगी टीसीपी आईपी मॉडल की हेल्प से ये जनरेट होगी। तो बेसिकली ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग मॉडल है। इसके अपना अलग फॉर्मेट है, अपना अलग एड्रेस है, ये अलग तरीके से इसका अपना रूट है, इसमें डेटा अपने तरीके से ट्रांसमिट होता है, रिसीव होता है, इसका अपना अलग फॉर्मेट होता है। तो आपने देखा कि बेसिकली इंटरनेट वर्क कैसे करता है। इंटरनेट के बारे में हमने चीजें देखी, क्लैरिटी आ गई होगी कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, सर्वर्स हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, उसकी क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट उठाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। हम बात कर रहे हैं अब वर्ल्ड वाइड वेब की। यानी कि जो हम इंटरनेट के एड्रेस में www लिखते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि www और इंटरनेट एक ही चीज है। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है और इंटरनेट है, ये दोनों सिमिलर चीज है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अलग है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था कि वर्ल्ड वाइड वेब एक एप्लीकेशन है,
जो कि इंटरनेट पे रन करती है। एक एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पे रन करती है, ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है, ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है कि आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सको। एक्सेस प्रोवाइड करती है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कहां होगी? ये इंफॉर्मेशन लोकेटेड होगी डिफरेंट सर्वर्स पे। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे रन करती है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स ओपन करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं, उन वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उन वेबसाइट्स की लोकेशन अलग अलग सर्वर पर हो सकती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब को आप बोल सकते हो, हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पे रन होने वाली एक एप्लीकेशन है। वेब पेजेस मत बोलिए आप, यहां पर बोलिए वेबसाइट्स, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, क्योंकि आप डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वहां से आपको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स आपका क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगर मैं बात करूं वेबसाइट्स क्या है, वेबसाइट्स को आप क्या बोल सकते हो, वेबसाइट्स को आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट में कुछ वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस को मिलाकर जो है एक वेबसाइट बनती है। वेब पेजेस को आप हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वेब पेज को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में किस लैंग्वेज का यूज होता है? यहां पे यूज होता है, आपको मालूम होगा, HTML, HTML लैंग्वेज का यूज होता है। वेबसाइट्स को तैयार करने में, प्रिपेयर करने में किस लैंग्वेज का यूज होता है? HTML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आज की डेट में एक बात बताओ डियर, एक क्वेश्चन है मेरा, क्या वेबसाइट बनाने के लिए आपको एचटीएमएल लैंग्वेज आना जरूरी है? क्या वेबसाइट बनाने के लिए आपको डियर एचटीएमएल लैंग्वेज आना जरूरी है? नहीं, आंसर होगा नहीं। आप अगर देखो, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, 90s की बात करें, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं था, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग से बात कर रहे हैं हम, तो अलग से हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। उस जमाने में ना डॉस चला करता था, डॉस, और आज ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लो तुम क्या चलता है, विंडोज। डॉस बेसिकली क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस था। और विंडोज को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज को बेसिकली हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, जब 1990s की बात करें तो उस टाइम पे जो है विंडोज नहीं आया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं आया था, तो उस समय यूज होता था कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आप सॉफ्टवेयर में देख चुके हैं, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करना पड़ता था कि एक एक कमांड आपको याद होना चाहिए। फोल्डर ओपन करना है, आपको कमांड याद होना चाहिए। फोल्डर क्लोज करना है, नेक्स्ट फोल्डर पे जाना है, आपको कमांड याद होना चाहिए, ठीक है। फाइल ओपन करनी है तो आपको कमांड याद होना चाहिए उसका, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन क्लियर करनी है, उसके लिए भी कमांड है। यानी कि आप सोचो, उस जमाने में कंप्यूटर चलाने के लिए आपको उन कमांड्स को सीखना पड़ता था, इसलिए इसे क्या बोलते थे, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। विंडोज, विंडोज 96 जब आया वो क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लॉन्च किया तो अब क्या था, कंप्यूटर कोई भी चला सकता था। उन्होंने क्या, मेनू टेक्नोलॉजी आइकन, उन्होंने स्क्रीन पे क्या दिए, आइकन दिए, छोटे छोटे आइकन दिए, ठीक है। आइकन पे कोई भी पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के नॉर्मल क्लिक करता, उसे चाहे कंप्यूटर चलाना आता हो चाहे ना आता हो, वो अगर क्लिक करेगा तो वो कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा, और जो ओपन होगा उस पर काम करके मेनू से क्या कर सकते थे, वर्क कर सकते थे। मतलब ये जो आइकन थे ये ग्राफिक फॉर्म में आ चुके थे, तो इसे क्या बोला गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहां पे आपको कोडिंग कमांड जानने जरूरी थे, और यहां पे आपको कमांड जानने जरूरी नहीं थे। लेकिन अगर इसके पीछे देखा जाए तो बेस यही है, डॉस के कमांड्स ही हैं, वो पीछे कोड के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन अब कोड लर्न करने जरूरी नहीं है। वो जो विंडोज वर्क करता है वो पूरे ग्राफिकल फॉर्म में वर्क करता है। तो डियर यही चीज आप समझ लीजिए HTML में। आज भी जो वेब पेजेस रहते हैं उनके पीछे की कोडिंग क्या रहती है, उनके पीछे की कोडिंग HTML होती है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम जो है वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं और उनको पब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए हमें HTML आना जरूरी नहीं है, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके इजिली वेबसाइट बना सकते हैं। आपने डियर ब्लॉग राइटिंग की होगी, blogspot.com, wordpress.com, यहां पे क्या है, आप ब्लॉग राइटिंग जाकर कर सकते हैं। wordpress.com आप अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। ब्लॉग प्रिपेयर करना बिल्कुल वेबसाइट प्रिपेयर करने जैसा रहता है, उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप अपना ब्लॉग डाल सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। वहां पे आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, कमांड्स होंगे,
जिन पे आप क्लिक करोगे, पूरा प्रोसेस बताएगा, क्लिक करोगे आप ब्लॉग राइटिंग इजिली कर सकते हो, या आप ब्लॉग राइटिंग ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पे जाकर कर सकते हो। कोई भी आपने ब्लॉग बनाया, सपोज मैंने अपना ब्लॉग बनाया, तो मेरे ब्लॉग का एड्रेस हो सकता है जो एड्रेस मिलता है वो आपको एक्सटेंशन के फॉर्म में उसी, सपोज मैंने वर्डप्रेस पे जाके ब्लॉग तैयार किया, तो मेरे ब्लॉग का एड्रेस होगा पूजा श्री नाम का ब्लॉग तैयार किया तो एड्रेस होगा मेरे ब्लॉग का, अगर ये एड्रेस मुझे मिल गया वहां से www.pujashree.wordpress.com। ब्लॉग स्पॉट पे तैयार किया तो एड्रेस होगा pujashree.blogspot.com। इसके लिए आपको अलग से कोई डोमेन नेम या कोई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इजिली जाके ब्लॉग तैयार कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस छोटा है और आप स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि केवल आपको एक दो पेजेस का बस कंटेंट देना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं है जहां पे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह की जरूरत है, तो वो भी आप इजिली जाके वर्डप्रेस वगैरह के हेल्प से तैयार कर सकते हो। वर्डप्रेस काफी यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी साइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। कुछ समय तक, पहले तक अगर मैं 2000-2003 की बात करूं तो फ्रंट पेज यूज होता था, आज की डेट में PHP यूज होता है बेस, ठीक है, जूमला है, अलग अलग साइट्स हैं जहां पे आप जाके वेबसाइट्स इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट प्रिपेयर करोगे और उसका डोमेन नेम लोगे तो आप वर्डप्रेस पे जाके सिंपल 3-4 पेज की स्टैटिक वेबसाइट जहां पे आपको रोज रोज चेंजेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है तो आप वर्डप्रेस के थ्रू जाकर बना सकते हो। लेकिन वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी और आपको डोमेन नेम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप वेबसाइट्स पे वर्क कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वाइड वेब की, हमने देखा ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट्स क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एक चीज मुझे यहां पे और बतानी थी कि वेब पेजेस में अगर हम नेविगेशन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नेविगेशन की, नेविगेशन यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, तो नेविगेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, हाइपरलिंक। नेविगेशन हम हाइपरलिंक के थ्रू कर सकते हैं। हाइपरलिंक आपने देखा होगा, कभी कभी आप किसी वेबसाइट्स पे जाओ, कर्सर ले जाते हो किसी चीज के ऊपर, वो एक हैंड में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर क्लिक करते हो आप और किसी वेब पेज पे पहुंच जाते हो, यानी कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे नेविगेट कराने के लिए जो लिंक आप यूज करते हो, जो कि जनरली ब्लू कलर की हो जाती है, उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। अब एक बात बताओ डियर, एक वेब पेज में क्या क्या चीजें होंगी, एक वेब पेज में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें हो सकती हैं वेब पेज में। कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अलावा आपने देखा होगा वीडियो फाइल हो सकती है, साउंड फाइल हो सकती है, ठीक है, कोई एनिमेशन हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, साउंड फाइल, वीडियो फाइल, एनिमेशन। तो इन सबको मैं अलग अलग बोलने से अच्छा है मैं बोल दूं मल्टीमीडिया, मैं बोल दूं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं मल्टीमीडिया की बात करूं तो मल्टीमीडिया में सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो साउंड फाइल हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो, ये सारी चीजें जो है वो साउंड फाइल में आ जाती हैं। तो
हमने देखा कि एक वेब पेजेस में, एक वेब पेज में टेक्स्ट हो सकता है, अदर मल्टीमीडिया हो सकते हैं. मल्टीमीडिया मीन साउंड फाइल, वीडियो फाइल, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब. इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं. फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब क्या होते हैं, इसे हम देखेंगे. फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, आप देख रहे हो कि आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन पब्लिश करना चाहते हो तो आप क्या बना देते हो, वेबसाइट बना देते हो. यानी भी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन, डियर, अगर पब्लिश करना चाहती है तो किसका यूज करती है, वो वेबसाइट्स का यूज करती है. तो हम बोल सकते हैं मीडियम ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, मीडियम ऑफ पब्लिक पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पब्लिश करने के लिए आप वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करते हो. कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई नॉलेज की चीज आपको चाहिए, तो आप कहां सर्च करते हो, आप वेबसाइट्स पे सर्च करते हो. यानी कि हम कह सकते हैं easy retrieval of information. को कोई भी information चाहिए किसी भी product या service के बारे में, आप सबसे पहले किसे, कहां पे search करते हो, आप जाते हो internet पे search करते हो. Easy retrieval of information. एक वेबसाइट से या एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे आपको जाना है, अभी हमने देखा था हाइपरलिंक. हाइपरलिंक से हम क्या करते थे, नेविगेशन करते थे. एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना इजी नेविगेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इजीली आप क्या कर सकते हो, दो वेब पेज को लिंक करा सकते हो, दो वेब पेज को आप क्या कर सकते हो, लिंक करा सकते हो. आप चाहते हो एक डॉक्यूमेंट को देखने के बाद यूजर दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाए, तो आप उस मेन डॉक्यूमेंट के पेज पे दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक बना सकते हो. यानी कि आप अदर डॉक्यूमेंट्स को उस डॉक्यूमेंट से क्या कर सकते हो, लिंक करा सकते हो, अगर आप वेबसाइट अपनी बना रहे हो. कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो, अभी मैंने आपको बताया आप ब्लॉग्स बना सकते हो, वहां पे आपका क्या हेल्पफुल है,
वहां पे आपका जो है वेबसाइट्स आपकी हेल्प करती है, हेल्पफुल इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो वेबसाइट्स बना के, आप सर्च कर सकते हो कोई भी चीज, आप वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकते हो। ट्रेवर्स मीन्स फैलाना, फेसबुक पे आप कोई भी चीज डालते हो, अगर आपको कोई भी चीज स्प्रेड करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन फैलानी है, और भी आप और भी तरीके से इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। अदर यूज भी आप इंफॉर्मेशन का कर सकते हो। फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब अगर लिखने को आता है तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने बुक में आपको निमोनिक्स भी प्रोवाइड किए हैं। निमोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं, लर्न करने के लिए, जैसे कि आप यहां ले सकते हो पब्लिशिंग का पी, रिट्रीवल का आर, नेविगेशन का एन, लिंकिंग का एल, शेयरिंग का एस, सर्च का एस, ताकि आप सारे पॉइंट्स लिखकर आओ। तो इन लेटर्स से मैंने आपको एक स्टेटमेंट बनाकर दिया होगा बुक में, आप उसे इजिली उस स्टेटमेंट को लर्न कर सकते हो। उसके फर्स्ट लेटर से पी फॉर आपका क्या होगा, पब्लिशिंग, आर फॉर रिट्रीवल, एन फॉर नेविगेशन, एल फॉर लिंकिंग, एस फॉर शेयरिंग, एस फॉर सर्च, ताकि आप सारे पॉइंट्स एग्जाम में लिखकर आओ। तो आप बुक में दिए निमोनिक्स का भी यूज कर सकते हो सारे पॉइंट्स को लर्न करने में। ये निमोनिक्स मैंने बुक में प्रोवाइड किए हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो ये फीचर्स हैं वर्ल्ड वाइड वेब के। आप इंफॉर्मेशन पब्लिश कर सकते हो, कोई इंफॉर्मेशन आप बताना चाहो बता सकते हो, कोई आपको चाहिए इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हो, आप नेविगेशन करवाना चाहो डॉक्यूमेंट्स के बीच वो आप इजिली करवा सकते हो, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे आप जा सकते हो इजिली, आप एक डॉक्यूमेंट एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराना चाहो वो भी आप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप इंफॉर्मेशन कोई शेयर कर सकते हो, सर्च का ऑप्शन रहता है। एक वर्ड यहां पे आया ट्रेवर्स, ट्रेवर्स मीन्स होता है फैलाना, स्प्रेड करना, कोई भी इंफॉर्मेशन आप फैलाना चाहते हो या कोई भी अदर यूज आप करना चाहते हो इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो वहां पे आप वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कर सकते हो। अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे वेब ब्राउजर।
web browsers. Basically, web browsers software है. Software है. Web browser क्या होता है? जब आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, डियर, जब आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, तो आप अपने सिस्टम पे किस पे जाते हो? जहां पे आप अपना वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो, वो क्या चीज होती है? वो चीज होती है आपकी वेब ब्राउजर. फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें मोजिला की, हम बात करें गूगल क्रोम की, हम देखें इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, बहुत सारे, नेटस्केप, नेविगेटर, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं, ठीक है, जो आपके सिस्टम में होते हैं. एक सिस्टम में कभी कभी दो ब्राउजर भी होता है. कुल मिला के अगर हमें इंटरनेट पे सर्फिंग करनी है तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? वेब ब्राउजर. तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर. ब्राउजर कौन ओपन करता है? आप ओपन करते हो डियर. किस पे ओपन करते हो? कंप्यूटर पे. यानी कि कंप्यूटर एंड यूजर के बीच का इंटरफेस क्या है? वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर के थ्रू आप ये बता रहे हो कंप्यूटर को कि हम वेबसाइट्स ओपन करना चाहते हैं. तो वेब ब्राउजर ओपन करके ही आप वहां पे यूआरएल या वेब एड्रेस दे सकते हो, ताकि वो वेबसाइट की रिक्वेस्ट सर्वर पे जा सके. तो अपने सिस्टम पे आपके सामने, यूजर के सामने क्या इंटरफेस रहता है? वेब ब्राउजर. एक चीज लोगों को और कंफ्यूजन रहता है कि सर्च इंजन और वेब ब्राउजर सर्च इंजन और वेब ब्राउजर सेम थिंग है? नहीं. सर्च इंजन और वेब ब्राउजर सेम थिंग नहीं है. ये दोनों अलग अलग चीजें होती है. गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है. गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है. वेब ब्राउजर पे आप सर्च इंजन, एमएसएन सर्च इंजन, ठीक है, गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, डिफरेंट सर्च इंजन आप ओपन कर सकते हो. तो सर्च इंजन अलग चीज होती है और वेब ब्राउजर अलग चीज होती है. वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? वेबसाइट को ओपन करते हो. तो बेसिकली वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैसे काम करता है. जो एक इंटरफेस की तरह, जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है किसके किसके बीच, किसके किसके बीच? यूजर एंड कंप्यूटर के बीच. यूजर एंड कंप्यूटर के बीच. वेब ब्राउजर का यूज कौन करता है? वेब क्लाइंट्स. यानी कि एक्ट करता है किसके बिहाफ पे? जो वेब ब्राउजर है वो एक्ट करता है
यूजर के बिहाफ पे वेब ब्राउजर जो है वो काम करता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं वेब ब्राउजर के, ये बुकमार्क की तरह काम करता है। अगर आप किसी वेबसाइट पर बुकमार्क लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। आप एक बार में कई वेबसाइट्स एक ही ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो, मल्टीपल विंडोज ऑफ ब्राउजिंग, ब्राउजिंग करते टाइम आप कई सारी वेबसाइट्स एक साथ ओपन कर सकते हो। उन वेबसाइट्स को आप फ्रेम्स और मल्टीपल विंडो भी देखना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। फ्रेम्स और मल्टीपल विंडोज का भी यूज आप कर सकते हो। वेब ब्राउजर की हेल्प से जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सिक्योर होता है। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो सिक्योर होता है। कभी कभी जावा एंड अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है वेब ब्राउजर। जावा एंड अदर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो ये चीजें आप देख रहे हो कि वेब ब्राउजर में क्या क्या चीजें होती हैं और वेब ब्राउजर कैसे कैसे हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं हम आज के सेशन का लास्ट पड़ाव, वेब एड्रेस। वेब एड्रेस, वेब एड्रेस को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल भी बोलते हैं। ये यूआरएल हम वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में बेसिकली टाइप करते हैं। जो भी वेबसाइट हमें ओपन करनी होती है उस वेबसाइट का एड्रेस बेसिकली हम वहां पे टाइप करते हैं। अगर हम देखें तो यूआरएल जस्ट लाइक पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस की तरह है। यूआरएल जो होता है वो बिल्कुल पोस्टल एड्रेस की तरह काम करता है। जैसे पोस्टल एड्रेस हम एड्रेस बताते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह हमें जो है वो लेटर पहुंचाना है, तो वैसे ही हम यहां पे बताते हैं कि कौन सी वो जगह है जहां से वो वेबसाइट आनी है। हम वेब ब्राउजर को बताते हैं कि किस सर्वर पे, सर्वर के किस लोकेशन पे बेसिकली वेब पेज के रिगार्डिंग
या वेबसाइट के रिगार्डिंग जो है वो रिक्वेस्ट भेजनी है, किस सर्वर पे बेसिकली वेबसाइट है। ये हमेशा यूनिक होता है, ये हमेशा यूनिक होता है। आपको अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो आपको उस वेबसाइट का डोमेन नेम लेना पड़ेगा, उस वेबसाइट का डोमेन नेम लेना पड़ेगा। रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें होती हैं एक एक करके हम देखते हैं। अगर कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो तो पहले लिखा होता है http://www.csattack.com है और आप इसका होम पेज ओपन कर रहे हैं। सपोज ये एक वेब एड्रेस है, http एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है जो कि जर्नली वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि जनरली वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। आप वेबसाइट के लिए यूज करते हो, आपका ब्राउजर और आपका कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज करता है। इसका यूज कहां होता है? आप कंप्यूटर और बेसिकली ब्राउजर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। www इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, वर्ल्ड वाइड वेब इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जनरली डियर आपने देखा होगा मैक्सिमम जो ब्राउजर्स होते हैं अगर वहां पे हम केवल वेबसाइट का नाम लिख दें csattack.com तो ये www ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो ब्राउजर उसके नाम के आगे ऐड कर लेता है। मोस्ट ऑफ ब्राउजर्स जो होते हैं वो इसे प्रीफिक्स के तौर पे वेबसाइट नेम के आगे ऑटोमेटिकली ऐड कर लेते हैं। अब अगर तुम देखोगे ये जो है ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या है? ये पूरा पार्ट डोमेन नेम है, जो आपको परचेज करना पड़ता है। डोमेन नेम आप क्या करते हो? परचेज करते हो, जो कि यूनिक होता है। आप इसको अपने नाम पे रजिस्टर कराते हो, जो वेबसाइट का ओनर है वो उसे अपने नाम पे रजिस्टर करवाता है। जनरली जो डोमेन नेम होता है अगर हम इतने पोर्शन को देखें ना, इसके पीछे इस नाम के पीछे में भी कोई आईपी एड्रेस हो सकता है, कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है जो कि न्यूमेरिक होता है कुछ ऐसे,
अब आप बताओ, आप क्या ये आईपी एड्रेस याद रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। तो एक डीएनएस सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, जिसके थ्रू आप इस पोर्शन को रिप्लेस करवा देते हो किससे? डोमेन नेम से, ताकि यूजर को याद रखने में क्या हो, आसानी हो। तो ये एक आईपी एड्रेस होता है जो कि ये बताता है कि किस सर्वर, पूरा यूआरएल ये बताता है कि किस सर्वर पे वेबसाइट जो है वो लोकेटेड है। और अगर आप इतना पोर्शन देखो, इतना पोर्शन com.com, हम बात कर रहे हैं .com, तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक्सटेंशन है टॉप लेवल ब्राउजर का क्या है, एक्सटेंशन है जो कि बेसिकली ये बताता है कि वेबसाइट कैसी है, कमर्शियल पर्पस की है, ऑर्गेनाइजेशन है, .org होता है, .in इंडिया के लिए यूज होता है, इंडियन वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। बेसिकली ये बताता है कि वेबसाइट का जो ओनर है वो किस पर्पस से वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। तो आपने देखा कि URL में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, URL क्या होता है। बेसिकली डियर आपने देखा कि URL सर्वर पे ये बताता है कि किस लोकेशन पे बेसिकली वेबसाइट जो है वो रखी हुई है, सर्वर की किस लोकेशन पे रिक्वेस्ट भेजनी है, और वहां से रिस्पॉन्स में वेबसाइट आपके सिस्टम पे ओपन होगी। तो आज के सेशन के लिए डियर बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ईमेल, कुछ और नई चीजों के साथ। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।